हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी प्लस एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में यहाँ से आपको 2 से 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और किसकी थियरी? सबसे पहले बाइगोस्की की थियरी पढ़ेंगे, जिनकी थियरी का नाम था सोशल कल्चरल। ठीक है, थियरी सोशियो कल्चरल थियरी का नाम था इनके। अगर मैं बात करूँ तो बाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनकी थियरी का पूछा जाता है कि बाइगोस्की की थियरी का नाम क्या था, तो अब बताएंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद इनके अनुसार जो बालक का विकास समाज के द्वारा होता है, बाइगोस्की बोलते हैं कि जो बालक का विकास होता है किसके द्वारा होता है, तो ये आपके समाज सोसाइटी के द्वारा होता है। सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है कि बच्चा एक दूसरे से बात करता है, दोस्तों से, पड़ोस से, आस पड़ोस से, माता पिता के द्वारा, तो बालक ज्ञान अनुभव को प्राप्त करता है। ठीक है, उसको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव का ज्ञान हो जाता है। बालक के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, बालक के जो विकास का जो मेन इंपॉर्टेंट बेस है वो किसके द्वारा होता है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, मैंने सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होता है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक शारीरिक सामाजिक विकास होता है। ठीक है, संज्ञान कॉग्निटिव अगर मैं बात करूँ, और यहाँ पे फिजिकल और यहाँ पे सोशल, ठीक है, एंड इमोशनल विकास होता है। बाइगोस्की ने कहा था कि बालक समाज के अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों और या भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो बाइगोस्की सबसे पहले भाषा को बल देते हैं, उसके बाद विचार आते हैं। ठीक है, जबकि हमारे जीन पियाजे बोलते हैं पहले विचार आते हैं उसके बाद भाषा आती है, तो जीन पियाजे बाद में पढ़िए। अर्थात वह भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बालक में भाषा 2 प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है। पहला आपका होता है इनर स्पीच और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्पीच। इनर स्पीच जो होता है आपका विचारों से उत्पन्न या थिंकिंग, जिसे हम सोच कहते हैं। थिंकिंग मीन्स क्या होता है? सोच या मस्तिष्क से उत्पन्न विचार या आंतरिक वाणिक सोच को इनर स्पीच। जैसे आप मौन धारण करते हैं तो वहां पे आप अंदर अंदर सोचते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनर स्पीच बोला जाता है। ठीक है, आंतरिक आंतरिक भाषा बोला जाता है। ठीक है, स्पीच में भाषा। सेकेंड है एक्सटर्नल स्पीच, इसमें बालक विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि बालक क्या करता है? बोलना शुरू करता है या दूसरों से बातचीत करता है, तो उसे एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। बच्चा क्या करता है? बोलना शुरू करता है, दूसरों से बातचीत करना शुरू कर जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं, बाहरी भाषण कहा जाता है, शाब्दिक भाषा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। बाइगोस्की ने कहा था कि बालक में पहले विचार आते, पहले बाइगोस्की ने कहा किया था कि पहले विचार आती है और फिर भाषा आता है। ठीक है, जबकि पियाजे ने कहा था कि बालक में पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये देखिए उल्टा हो गया है। बाइगोस्की कहते हैं कि सबसे पहले भाषा आता है, और जीन पियाजे कहते हैं कि विचार आती है उसके बाद भाषा आता है। ठीक है, भाषा यंत्र यह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपनी ही एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक स्थानांतरित करता है। भाषा की सभी गुण जैसे विचार, भाव, अनुभव, कौशल, ज्ञान, नैतिकवादी अनुभव व निम्न प्रकार से प्राप्त करता है। ठीक है, निम्न प्रकार से क्या करता है? प्राप्त करता है। उसके बाद आगे चलते हैं। अनुकरणीय, ठीक है, बच्चा किस तरह सीखता है? अनुकरणीय सीख रहा है, इमिटेटिव लर्निंग। ठीक है, बालक अनुकरण के द्वारा, इमिटेशन, बंदर जैसे होता है सीखता है, हमें देख देख के सब कुछ। तो बालक छोटा बच्चा रहता है, जब आप घर में गाली देंगे तो बच्चा गाली सीखेगा, जब इंग्लिश बोलेंगे तो बच्चा घर में इंग्लिश बोलेगा। जो लैंग्वेज जो काम करेंगे ना, बच्चा वही चीज देख के सीखे। अगर आप लड़ाई करते हैं तो बच्चा वही उसको प्रभाव करता है। ठीक है, तो द्वारा सीखा, द्वारा ही भाषा का अधिगम एक व्यक्ति से क्या करते हैं? दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। दूसरा आता है आपका बी वाला दिया गया, निर्देशक निर्देशात्मक सीखना, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। इसमें बालक किसी प्रौढ़ व्यक्ति जैसे अध्यापक अभिभावक के निर्देशों के माध्यम से स्वयं को ज्ञान से परिपूर्ण करता है। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, उनसे क्या करता है? ज्ञान को निर्देश के माध्यम से उनको ज्ञान परिपूर्ण करता है। उनको नेक्स्ट आता है आपका सहकारी अधिगम, कोलाबोरेटिव लर्निंग। इसमें बालक अपने साथियों के साथ विशिष्ट कौशलों को समूह बनाकर ग्रहण करते हैं, अर्थात समान आयु के बालकों के साथ अधिगम करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो तीनों में सामाजिक अंतःक्रिया ही होती है। ठीक है, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक शब्द के साथ ही बाइगोस्की की थियोरी बनती है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं।
ले बायगोस्की सिद्धांत के अलग अलग नाम है, तो उनके नाम देख लेते हैं। बायगोस्की थियरी आल्सो नोन एज, पहले नाम आपको पता ही होगा कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, दूसरा आपका नाम है यहाँ पर मैं बात करूँ सामाजिक संरचना का सिद्धांत, तीसरा आपका है सहयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत, चौथा है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक, और यहाँ पे पांचवा आता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये आपके पांच महत्वपूर्ण दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, बच्चे का खुद से बात करना, ठीक है। आप बहुत बार ये रिपीट हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे तीन स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, इंपॉर्टेंट सॉरी। जीन पियाजे जो होते हैं आत्म केंद्रित वार्ता की बात करते हैं, जिन्हें अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं या ईगो सेंट्रियम स्पीच कहा जाता है, जबकि बायगोसी हमारे निजी वार्ता की बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, निजी संभाषण की बात करते हैं, ठीक है। बच्चा इसमें जब किसी साल का 5 साल का हो जाता है तो बच्चा बड़बड़ाना शुरू करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जिसे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जेडपीडी के नाम से पूछा जाता है, ठीक है। ये आपकी किसने दिया था, तो ये बाइगोस्की दिए हैं, बताइएगा। एक संदर्भ जो होता है जिसमें बच्चे को क्या होता है, सहयोग के लिए सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते, ठीक है। बच्चे के लिए ऐसे कठिन कार्यों को प्रयास से होता है जिससे वो अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य अन्य या बड़े उस तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसे करना संभव हो जाएगा, ठीक है। जेडपीटी का मतलब क्या होता है, जो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जो बच्चा क्या करता है यहाँ पे, तो ये बच्चा यहाँ तो कर सकता है लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकता। जैसे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कोई ना कोई टीचर चाहिए, कोई ना कोई आपको कोचर चाहिए, ठीक है, आपको ट्रेनर चाहिए जिससे कि आपको बता सके कोई काम करने के लिए, जो जिसके पास ज्यादा नॉलेज है। यहाँ से आप एक्चुअल जो रहता है एक्चुअल डेवलपमेंट से आप कहाँ जाना है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो इसके बीच का गैप होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, उसे करने के लिए ना उस बच्चे को सहयोग चाहिए, ठीक है। जेडपीडी में बालक के कितने कार्य करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आपका होता है न्यूनतम सीमा, एक आता है आपका उच्चतम सीमा। तो न्यूनतम सीमा या लोअर लिमिट होता है जो बालक की किसी कार्य का व्यक्तिगत स्तर होता है, ठीक है, अर्थात ये न्यूनतम होता है जो कार्य बालक स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता से ही कर सकता है, ठीक है। जो आपका ये वाला होता है ना लोअर पार्ट वाला, ये आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी की सहायता नहीं है, इंडिविजुअल आप कर सकते हैं ये आपका, ठीक है, इसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं रहती। लेकिन उच्चतम सीमा की अगर मैं बात करूँ, हायर लिमिट में, जब किसी बालक कार्य को करने में बाहरी मदद लेता है तो उसे हम हायर लिमिट कहते हैं या इंटर साइकोलॉजिकल लिमिट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वो समाज की मदद लेता है, या तो पेरेंट्स की मदद लेता है, या तो टीचर से मदद, या कोचर से मदद लेता है, या ट्रेनर से, जो उसमें आपसे ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ एमसीक्यू भी करें। चलिए एमसीक्यू आ गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन, और आपको पता है कि पेपर 1 के लिए 5 नंबर और पेपर 2 के लिए 5 10 10 नंबर। बाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, ऑप्शन है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, नहीं भैया। ऑप्शन बी, बच्चे स्वयं स्वभाव से बहुत बातों में, नहीं। ऑप्शन से, बच्चे अहम केंद्रित, ये तो जिन पे करते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं, बाइगोस्की तथा पियाजे की परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। ऑप्शन ए दिया कि व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बिल्कुल नहीं। बच्चे को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दिया गया आपका भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ऑप्शन डी दिया गया ज्ञान की सक्रिय निर्माता के रूप में, तो देखिए भाषा और चिंतन के बारे में बात करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, लेबाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल्य कारण, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया संतुलन, नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, सामाजिक अनन्य क्रिया की बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाएं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन ए दे जीन पियरे, ऑप्शन बी दे लेबाइगोस्की, ऑप्शन सी दे अल्बर्ट बंदर, ऑप्शन डी दे लॉरेंस कोलबर। तो देखिए किसकी बात की गई, सामाजिक, जहाँ पे आपको सामाजिक और सांस्कृतिक दिख जाए ना, आंख बंद करके आप लगा दीजिए लेबाइगोस्की, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि बाइगोस्की ने इसके महत्व का कारण बताया, ठीक है। ऑप्शन ए चिंतन प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। सामाजिक संपर्क, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक संपर्क। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट,
जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे की वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता की स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अभी मैं आपको बता के आई हूँ, आपका समीपोष्ट विकास कहा जाता है। ठीक है, आप बोलेगा कोई कि मैडम नहीं, सहयोग देना बिल्कुल नहीं होगा, सहभागी नहीं होगा, सहयोगात्मक नहीं। तो राइट आंसर समीपोष्ट विकास, जिसे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया है। नेक्स्ट, बाइगोस्की की सामाजिक संस्कृत सिद्धांत के अनुसार बाइगोस्की से पूछा गया, संस्कृत और भाषा संज्ञान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बिल्कुल सही है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे परिपेक्ष नहीं, क्यों नहीं होते? यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भैया, स्वनिर्देश वाक नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर होगा आप लोग का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ले बाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उचितर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? ठीक है, ले बाय ऑप्शन ए दिया गया आपका सामाजिक पारस्परिक क्रिया, तो पहले बार है, ए इज द करेक्ट आंसर। उद्दीपन अनुक्रिया नहीं होगा, अनुकूलन नहीं होगा, पुरस्कार दंड नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया है, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? जेपीडी ऑप्शन है, जब बंडूरा द्वारा बिल्कुल नहीं, ऑप्शन भी दे पियाजे द्वारा बिल्कुल नहीं, स्किनर द्वारा नहीं। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका, बायोसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।